हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं। 2022 में जितनी भी एप्लीकेशंस लॉन्च हुई हैं और साथ ही 2021 की भी कुछ जो इम्पोर्टेंट थी उनको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे हिंदी में कहते हैं लोकसभा सचिवालय। और ये ऐप काम क्या करेगा? तो ये सिटीजन्स यानी कि हम लोग इस ऐप के ज़रिए देख सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्टिविटीज़, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ पार्लियामेंट में होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, उन सभी को हम देख सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु ऐप को लॉन्च किया? तो आयु ऐप ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। और इसके बारे में डिटेल्स देखें तो कर्नाटका के जो सीएम हैं बसवराज बोम्मई, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक हेल्थ और वेलनेस एप्लीकेशन है और इसका एम क्या है? टू एड्रेस एंड हेल्प टू हील क्रॉनिक डिसीजेज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो योगा और मेडिटेशन के लिए ये इनके ज़रिए जो भी पुरानी बीमारियाँ हैं, जो भी हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनको ठीक करने में हेल्प करने के लिए ये आयु ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये जो मोबाइल ऐप है ये बेस्कॉम के द्वारा विकसित किया गया है। बेस्कॉम क्या है? ये बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। ईवी मित्र मोबाइल ऐप इसके द्वारा डेवलप किया गया है और ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है मोबाइल ऐप हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका काम क्या है? सेंड माइनिंग व्हीकल होते हैं उनको ट्रैक करने का, उनके मूवमेंट को ट्रैक करने का काम ये ऐप करेगा, ठीक है। नाम क्या है इसका? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। लॉन्च किया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने यूनियन NXT सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका एक प्रोजेक्ट है। क्या नाम है इसका? यूनियन संभाव, ठीक है। कैसा प्रोजेक्ट है? एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है और इसी के एक पार्ट के रूप में यूनियन NXT को लॉन्च किया गया है। ये जो है सुपर ऐप है, जैसे नाम में आपको दिख रहा होगा सुपर ऐप है, जिसमें सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज एक्सेट्रा, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके हेड क्वार्टर्स हैं मुंबई में और CEO इस समय है राज किरण राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन निगरानी ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो जन निगरानी ऐप ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और इस ऐप का काम क्या है? इस ऐप के ज़रिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशकों को शिक्षित करने के लिए सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो सारथी ऐप ये लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। चेयरमैन हैं माधवी पुरीबुज, जो कि पहली महिला चेयरमैन हैं। और ये जो है सेबी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने तंबाकू ऐप छोड़ो नहीं तंबाकू ऐप छोड़ो नहीं तंबाकू छोड़ो ऐप क्विट टबैको ऐप ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WHO ने। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1948 में और इसके हेड क्वार्टर्स हैं जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। अब देख लेते हैं कुछ मोबाइल ऐप्स वन लाइनर में। तो सबसे पहले हमारे सामने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। उत्तराखंड से इसको लॉन्च किया गया है। रुड़की जो है उत्तराखंड में ही है और प्रोवाइड करेगा ये ऐप एग्रो मटेरियोलॉजिकल सर्विसेज टू द फार्मर्स। उसके बाद नेक्स्ट है ऐप आभा ऐप। आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप। ये लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है और लॉन्च किया गया है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम। ये जो मिशन है, ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के ज़रिए पीपल देख सकते हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड्स एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है दिशांक ऐप, जो लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने और ये प्रोवाइड करेगा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड्स थ्रू दिस ऐप।
ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन रखने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने काम किया है, तो उसी में एक ये कर्नाटका गवर्नमेंट की पहल है ये ऐप लॉन्च करना, इसका नाम है दिशांक ऐप। नेक्स्ट है गरुड़ा ऐप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और डिजिटल मैपिंग जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनकी डिजिटल मैपिंग करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लोकपाल ऐप फॉर मनरेगा, मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप ये लॉन्च किया है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है टू मेक मनरेगा मोर ट्रांसपेरेंट इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, मनरेगा को और ज़्यादा अच्छे से इसका क्रियान्वयन हो सके, इसको इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा आसानी हो, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नॉलेज ऐप एंड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कंसल्ट। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो कि है नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है माई पार्किंग ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है असिग्मा, असिग्मा की फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जैसे होते हैं ना व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम होता है, तो इसी तरह से एक मैसेजिंग ऐप है जो मेनली आर्मी के लिए लॉन्च किया गया है, इसका नाम है असिग्मा। नेक्स्ट है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कोविड अलर्ट ऐप जिसका नाम है कोवा, CHD ऐप, CHD क्या है, चंडीगढ़ के लिए CHD यूज़ किया गया और चंडीगढ़ में ही इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद है अपना कंगड़ा, ये ऐप लॉन्च किया गया है टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, और हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो कैनरा AI1 मोबाइल ऐप, ये कैनरा के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आधार फेस, ये एक फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। UIDAI ये एक यही अथॉरिटी है जो कि आधार से रिलेटेड सारे काम देखती है। उसके बाद है शैली ऐप, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी कि ऐसे डिजीज़ जो हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जो चेंज करते जा रहे हैं बना रहे हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ हमें हो जाते हैं उनसे रिलेटेड है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद 2021 के जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान समाधान ई रुपी, ये किसने लॉन्च किया है, तो ई रुपी ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। ये ई रुपी क्या है, ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए, ये एक QR कोड बेस्ड ई वाउचर है, ये वाउचर को जो भी बेनिफिशरीज़ हैं वो रिडीम कर सकते हैं विदाउट कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। अगर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस नहीं है, कार्ड नहीं है, डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है, उसके बिना भी ये वाउचर को रिडीम किया जा सकता है। ये डेवलप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन कोलाबरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट, और साथ ही ई वाउचर वाला जो ये पॉइंट है ये भी याद रखिएगा। अभी कुछ और हैं जो 2021 में लॉन्च की गई थी ऐप्स, सबसे पहले है WHO एम योगा ऐप, ये WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था, और ये ऐप हेल्प करेगी टू अचीव वन वर्ल्ड वन हेल्थ मोटो। उसके बाद है दोस्त फॉर लाइफ ऐप, ये CBSE के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, और पेरेंट्स कैन यूज़ फॉर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगली ऐप है हमारे सामने भाषा संगम ऐप, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, और इस ऐप के ज़रिए कोई भी व्यक्ति जो हमारे संविधान में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस दी गई हैं उन्हें लर्न कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ़िश वाले ऐप, इंडिया का फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप है ये, ये असम में लॉन्च किया गया है, और इसके ज़रिए बायर्स और सेलर्स ये इस ऐप पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर बेच भी सकते हैं अपनी फ़िशेस। ठीक है, मतलब बेचना ख़रीदना फ़िशेस का एक ऐप के ज़रिए, तो फिश ई फिश मार्केट ऐप ये है पहला। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया और डेवलप किया गया IIT रुड़की के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है ई
सॉरी वाई ब्रेक ऐप, ये आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और वाई ब्रेक ऐप, इसके ज़रिए योगा और मेडिटेशन कहीं भी किया जा सकता है, कैन बी डन एनी वेयर। नेक्स्ट है नदी को जानो ऐप, ये जो ऐप है ये यूज़ किया जा सकता है टू गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है, जानना है उनके बारे में, तो इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी ऐप साबित हो सकती है। नेक्स्ट है 12% क्लब ऐप, ये भारत पे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद है प्रगति मोबाइल ऐप, LIC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। उसके बाद नेक्स्ट है नमस्ते योगा ऐप, इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के ज़रिए लोगों को अवेयर किया जाएगा अबाउट योगा, ठीक है, योगा के बारे में जानकारी कुछ भी कलेक्ट करनी है तो आपने ध्यान दिया होगा योगा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है ना, बहुत सारी ऐप्स लॉन्च की गई हैं ताकि लोगों को योगा और मेडिटेशन इसको सीखने में आसानी हो सके। नेक्स्ट ऐप है अमृत वाहिनी ऐप, झारखंड सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए हॉस्पिटल बेड्स की इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये गवर्नमेंट का जो वन नेशन वन राशन कार्ड है इस सिस्टम का एक पार्ट है ये मोबाइल ऐप, मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। और ये डेवलप किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, NIC के द्वारा। नेक्स्ट ऐप है हमारी सड़क और तमीर तरक्की ऐप, हमारी सड़क तमीर तरक्की ऐप, ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। उसके बाद है मानस ऐप, मानस के फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये लॉन्च किया है के विजय राघवन जो कि फॉर्मर PSA हैं। और ये लॉन्च किया गया है टू प्रमोट मेंटल वेलबींग। उसके बाद है उद्यम सारथी ऐप, यूथ के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हिट कोविड ऐप, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है सुगम्य भारत ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के ज़रिए जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिल्डिंग्स होती हैं जो सार्वजनिक यूज़ के लिए जो बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या ऐसा कोई भी प्लेस है जो सार्वजनिक यूज़ के लिए है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए वहाँ पर प्रॉपर सुविधाएँ नहीं होती हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस तरह की, तो इस ऐप के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर कर सकता है। फिर नेक्स्ट आरोग्य सेतु ऐप, ये डेवलप किया है NIC ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि मेटी के अंतर्गत आता है। और इसका काम क्या है, टू ट्रैक द केसेस ऑफ COVID-19 एंड अलर्ट द सिटीजन्स। उसके बाद नेक्स्ट ऐप है ई नगर मोबाइल ऐप, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ई संपदा मोबाइल ऐप एंड पोर्टल, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और इसे लॉन्च किया गया है टू प्रमोट ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस, ई शासन को प्रमोट करने के लिए। फिर है मत्स्य सेतु ऐप, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। और इस ऐप के ज़रिए इंफॉर्मेशन दी जाती है टू फिश फार्मर्स अबाउट एक्वा कल्चर टेक्नोलॉजी किस तरह से अपनाई जाए और किस तरह से फ़िश फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन इस ऐप के ज़रिए दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीन सिटी ऐप, ये लॉन्च की गई है दिल्ली में। उसके बाद है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है, टू स्टॉप करप्शन, ठीक है, तो करप्शन के लिए है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है कॉल योर कॉप ऐप, ये नागालैंड पुलिस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन है ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शंस हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।